बहुत बहुत छोटे परिवार में पैदा होने के कारण हम लोग की जो सारे सपना थे वो सपना ही नजर आ रहा था। तो हमने इस बीच में बहुत श्रम किया, बहुत सारी जगह हमने नौकरी के लिए भी गया बाहर में, बहुत जगह भटका। वहाँ पे मैं अपने साथ साथ अपने यहाँ के लोगों को या फिर उधर जगह के लोगों को फैक्ट्री में काम करने वक्त उनका जो दर्द देखा, तो मैंने बोला कि भाई बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि छोटा मालिक बन के अपना छोटा सा भी बिजनेस हो, आदमी अच्छा से जिंदगी निर्वाह कर सकता है। सबसे पहले शुरू करें और वो लाखों का कमाएं, क्या स्क्रबर है या फिर आपके पास बहुत सारे प्लान हैं? देखिए, स्क्रबर मशीन इसलिए हम कस्टमर को ज़्यादा देते हैं, अच्छा उसके बारे में सलाह देते हैं कि बाकी सब बिजनेस तो अच्छा ही है, लेकिन स्क्रबर में कितना भी अगर नया इंसान है तो वो 100% सक्सेस हो सकता है अगर थोड़ा सा मेहनत करे तो। एक हमारे संजय सनेही भैया गाना लिखे हैं, अरे कि मेहनत काके कितनो रुपया कमईबा, अचरा के सुख बबुआ कतनी न पईबा, जिंदगी ना होई कब पूरा ए बबुआ, माही बिना जिंदगी अधूरा ए बाबू हो, माही बिना जिंदगी अधूरा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हैं, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जागृति होना चाहिए कि हमें उसे उस मुकाम तक पहुंचाना है। इस वाक्य को साबित कर रहे हैं गोपालगंज के युवा उद्यमी राहुल चौबे जी। राहुल चौबे जी एक युवा उद्यमी हैं और पूरे बिहार के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसा रोजगार चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि कम बजट में कुछ ऐसा हम रोजगार करें जिससे हम महीनों का लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो इनके पास में एक मास्टर प्लान है। वो मास्टर प्लान क्या है आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश पांडे और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम लोग गोपालगंज में मौजूद हैं। गोपालगंज में हमारे साथ मौजूद हैं युवा उद्यमी राहुल चौबे जी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कम बजट में एक लाखों रुपए कमाने का मास्टर प्लान दे रहे हैं। वो प्लान क्या है आप, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी चाहते हैं रोजगार करना, उन्हें आप डिटेल में समझाइए। सबसे पहले तो सिवान न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मेरा छोटा सा परिचय, मैं राहुल चौबे, मेरी एक फॉर्म कंपनी है सारिका एंटरप्राइजेस करके, गोपालगंज में चलती है, आज विगत कई सालों से चलती आ रही है। सबसे पहले हमने अपना शुरुआत दिल्ली से किया था। अच्छा। दिल्ली में मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरे भाई लोग हैं, आज भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली में ही है, और अभी गोपालगंज में भी लग गया होता है, एक्चुअली लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। अभी दीपावली तक कोशिश में है कि यहीं हम लोग मशीन कस्टमर को सामने उसका मशीन बना करके उसको दिया जाए। अच्छा। तो आप जैसे बोले बिहार, तो पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में हमने मशीन प्रोवाइड किया है लघु उद्योग में। जैसे ये देख रहे हैं हमारे हाथ में ये स्क्रबर है, हर घर में बर्तन धोने के काम में आता है, जैसे आप सब जानते हैं। तो ये सबसे बेटर बिजनेस है, इसके बारे में तो आप लोग अनेकों वीडियो देखे हैं, अभी देख भी रहे हैं। तो ये बनाने का मशीन जो होता है हमारे यहाँ, मैंने आप समझिए बहुत सस्ते से सस्ते रेंज में स्टार्ट है और महंगे महंगे रेंज में भी है। लघु उद्योग में जैसे आप पत्तल बनाने वाले मशीन, अगरबत्ती बनाने वाली मशीन, चप्पल बनाने वाली मशीन, स्क्रबर बनाने वाली मशीन, नोटबुक बनाने वाली मशीन, सारी जितने सारी मशीनरी है, सारी मशीनों का जो है मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करें हम लोग, इससे करें, आपके पास बहुत सारा मास्टर प्लान है, तो शुरुआत हम लोग किससे करें, लोगों को कैसे मतलब बताएं कि कौन सा बिजनेस सबसे पहले शुरू करें और वो लाखों का कमाएं, क्या स्क्रबर है या फिर आपके पास बहुत सारे प्लान हैं? देखिए, स्क्रबर मशीन इसलिए हम कस्टमर को ज़्यादा देते हैं, अच्छा उसके बारे में सलाह देते हैं कि बाकी सब बिजनेस तो अच्छा ही है, लेकिन स्क्रबर में कितना भी अगर नया इंसान है तो वो 100% सक्सेस हो सकता है अगर थोड़ा सा मेहनत करे तो। ये मशीन जो है, इस मशीन से आप स्क्रबर पैक कर सकते हैं, इसमें आप टूथब्रश पैक कर सकते हैं, ये देख रहे हैं पीछे ये जो मसाला है खारा मसाला, ये पैक कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, गड़ी, छोड़ा, ये सब जितने पैकिंग आइटम आप चाहें उससे ब्लिस्टर लगा के पैक कर सकते हैं। कितना लागत लगता है मशीन को खरीदने में, बनाने में, ये सारे भी आप डिटेल्स बताएं। जी जी, सबसे बड़ी चीज है कि ये मशीन देखिए, कैमरामैन साहब थोड़ा सा इसको दिखाइएगा, ये मशीन जो है ये सबसे स्टार्टिंग है हमारे यहाँ, 12,000 रुपये की ये मशीन है। अच्छा। इसमें इंक्लूड GST है, आपको कोई GST नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ अवेलेबल है। अच्छा। पूरे भारत में हम इसको भेज सकते हैं, आप कहीं से भी कॉल कीजिएगा। अच्छा। हम आपको भेजेंगे। अच्छा। ठीक है, ये 12,000 रुपये की मशीन है। इसके अलावा हमारे यहाँ 40,000 रुपये की भी SS
स्टील क्रोम की मशीन है जो कि बहुत बेटर मशीन है, अभी लाखों लोग हमसे लेके कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हमारे यहाँ सेकंड 65,000 रुपए की मशीन है, उसके बाद 75,000 की मशीन है, 1,20,000 की मशीन है। चप्पल की मशीन हमारे यहाँ 15,000 से शुरुआत है, उसमें 1,00,000-1.5 लाख रुपया जितना चाहिए हमारे बजट का मशीन है। पेपर प्लेट की मशीन है हमारे यहाँ 30,000 से स्टार्ट है। तो सारी मशीनें हमारे यहाँ अवेलेबल है, हम मशीनों के साथ गारंटी, पूरा 1 ईयर गारंटी रहता है, कोई प्रॉब्लम होता है मेरा मिस्त्री जाकर वहाँ ठीक करता है। इसके लिए हमने अपना एक यूनिट रखा है जो कि मेरे इंजीनियर लोग हैं, मशीन को जाके आपके घर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दिया जाता है यहाँ पे, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्लांट को मेरे घर पे जाके सेट करके चला के, बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं नारी सशक्तिकरण के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, सोचती है कि मेरे अंदर कुछ हुनर हो, मैं भी कुछ कर सकूं, उन लोगों के लिए भी हमारे पास काफी सारा प्लान है। महिलाओं को घर पे मशीन होम डिलीवरी भेजवाना, उसको पूरा चला के सिखाना, जितना होता है टोटल हम अपने आदमी द्वारा करवाते हैं। इस प्लान को लाने के लिए आपके पास आइडिया क्यों आया, क्यों आप मतलब गोपालगंज में ही सेट करना चाहते थे, दिल्ली में आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, गोपालगंज क्यों आए आप? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं दिल्ली में रोजगार करता था, मैं दिल्ली में था तो अपने यहाँ से काफी लोग मेरे बगल से ही, जैसे मैं गोपालगंज, सिवान, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, बेगूसराय, जितना एरिया अपना है यहाँ से लोग जा करके वहाँ ठगी का शिकार हो रहे थे सर। अच्छा, दिल्ली में, गुजरात में बहुत फ्रॉड सारे लोग बैठे हुए हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, आपको सामान दिखा करके पैसा ले करके 1 रुपये का सामान 5 रुपये में देते हैं, वो भी सामान घटिया रहेगा। आप घर आ जाते हैं, बिहार आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, माल कुछ और दिखाएंगे, भेजेंगे कुछ और, यहाँ आप नहीं चला सकते हैं, असमर्थ हैं। आप देखिए कोई भी प्लांट, कोई कंपनी कोई खोलता है तो सर उसके साथ बड़ा उसका सपना जुड़ा होता है कि मैं ये प्लांट खोल रहा हूँ तो मैं इतना कमाऊंगा, इतना बचेगा, मेरा बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, मैं यहाँ घर ले लूंगा, ये सारा सपना उसका होता है। तो इस चीज को काफी लोगों का सपना टूट रहा था, बहुत लोग मिले हमसे जो रो रहे थे कि भैया हमने इस तरीके से, मैंने ब्याज पे कहां कहां से पैसे ला करके मैंने बिजनेस शुरू किया, आज बिजनेस मेरा नहीं चल रहा है दिल्ली के कारण, गुजरात के कारण, महाराष्ट्र के कारण। तो हमने दिमाग लगाया क्यों ना हम अपने यहाँ ही लोगों को रोजगार दें, अपने यहाँ ये मशीन क्यों नहीं प्रोवाइड करते, जो हमारा कंपनी दिल्ली में है। तो हमने गोपालगंज बैठा और गोपालगंज बैठने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं सदा शुक्रगुजार हूँ। अब बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, आज इंटरनेट बहुत चल रहा है। देखिए दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ वीडियो में आप लोगों से, जो भी मेरे भाई हैं जो मेरे साथ पहले से काम कर रहे हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, अगर किसी कारण बस आपसे कोई, अगर हमसे कोई त्रुटि हुआ होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए काम होता है, दिल्ली से यहाँ सुविधा देने के लिए हम बैठे हुए हैं। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में ऑल इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन है सर, कहीं से कहीं माल भेज सकते हैं। अच्छा, लेकिन बिहार में क्या है, अपने गोपालगंज में हर जगह का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, हम भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही माल मंगवा के यहाँ आपको देते हैं। अच्छा, तो गाड़ी जाम जुम आप देखिए रहे क्या स्थिति चल रहा है, तो गाड़ी उड़ी जाम में 1-2 दिन अगर लेट भी होता है तो आप केयर नहीं करें, आपके भाई सदा आपका सेवक है, आपका सेवा करेगा, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, आपके लिए हरदम हम हर तथ्य पर खड़ा रहेंगे। ठीक है, ये इतना तो हम सब कुछ समझ गए कि ये कम बजट में आप अच्छा कमा सकते हैं, काम कैसे करता है ये, शुरुआत लोग करें तो क्या क्या बिजली लगेगी, बैटरी लगेगी, क्या लगेगा, क्या सोलर से भी लोग चला सकते हैं? नहीं नहीं, सोलर से नहीं चला सकते हैं क्योंकि इस मशीन में हीटर लगा होता है जो लाइट से ही चलेगा। अच्छा, तो लाइट सिंगल फेस जो आपके घर पे ये पंखा बिजली जो चला रहे हैं घर में लाइट पंखा, इसी लाइट पे, नॉर्मल लाइट पे हमारी सारी प्लांटें चलती हैं। अच्छा अच्छा जी, मतलब बिजली पे चला सकते हैं ये, बिजली पे ही बेसिकली ये बेस्ड है। इसके लिए आपको MSME रजिस्ट्रेशन होता है जो उद्योग आधार, वो भी आप बनवा के चला सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो इसमें आप सब सहयोग करें। और मैं अपने यहाँ के सभी भाई बंधु से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोकल को वोकल करें, जितना प्रोडक्ट आपके यहाँ आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके जिला में बनता है उसी को ज्यादातर खरीदे, ताकि आपका प्रोडक्ट हिट हो, आपका भाई 2 रुपया कमाए, आप ही अच्छे रहें। चलिए ये तो सब कुछ हम समझ गए राहुल जी, हम जी। ये जानना चाहेंगे अब तक आपने कब इस प्लान को सोचा और कब इसको बनाया यहाँ पे गोपालगंज में, और अब तक कितने लोग यहाँ से आपके पास से ट्रेनिंग लेके अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी 2 साल से ही हम गोपालगंज में हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी तक हमसे 1500+ लोग बिजनेस जुड़ के पूरे भारत में कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कहाँ कहाँ के लोग हैं अभी? आपके सिवान में, जैसे आप जहाँ सिवान से आए हैं, वहाँ 20 आदमी हमारा कम से कम
मशीन लगाए हैं 20 आदमी। अच्छा अच्छा। इसके बाद छपरा हो गया, गोपालगंज हो गया, आपको बेतिया हो गया, मैंने बिहार का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं हो जहाँ नहीं, आरा हो गया, बेगूसराय हो गया, आपको खगड़िया हो गया, हर जगह उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से लेकर के आपको वो अम्बेडकर नगर ये जितना है कानपुर तक, यहाँ तक कि दिल्ली में भी मशीनरी हमारे लगे हुए हैं, आपको कन्याकुमारी से लेकर के और यहाँ साउथ तक, हमने साउथ में भी बहुत सारा मशीन प्लांट दिया हुआ है। इसका मतलब है दर्शकों कि बिहार से या गोपालगंज से शुरू हुई इनकी कारवा आज पूरे भारत में ये चल रही है, बहुत अच्छी बात है ये। मोदी जी ने अभी हमारा जो पूरा विश्व था कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उसमें जो हमारा जिस तरीके से बाहर से सामान आने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उसके बाद से हमारे जो पीएम थे आत्मनिर्भर भारत का लोगों को कहा कि आप लोकल को वोकल बनाइए, तो उसका जीता जागता उदाहरण आपको गोपालगंज में मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से अब तक बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष के अनेकों जगह से लोग आते हैं, इनसे मशीन खरीदते हैं और ले जाते हैं, अपना रोजगार शुरू किए हैं। कम बजट है और रिकवरी ज़्यादा है। आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा कि गोपालगंज में रिकवरी थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा रिस्क नहीं लगा ये सच्चा? रिस्क मुझे लगा था, लेकिन मैं अपने में विश्वास बहुत ज़्यादा रखता हूँ सर। अच्छा। मेरा विश्वास था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं हमारे यहाँ के लोग हमको जरूर हमारे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। उसका रिजल्ट तो आपके सामने है, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों ने दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, मेरे साथ आज 1500 घर के चूल्हे जल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल सर बिजनेस बंद हो गया था। पूरे भारत में कहीं से है कभी आने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं आपको मशीन हम वहाँ भेज देंगे। आप जो बुकिंग अमाउंट होता है हमारे अकाउंट में डालिए, बाकी पैसा आप यहाँ मशीन पहुँचता है तो आप ट्रांसपोर्ट में मशीन देखिए, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कीजिए, अपना मशीन ले जाइए। लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि दर्शक कमेंट करके पूछेंगे भी कि कैसे कांटेक्ट करें। मेरा स्क्रीन पे नंबर, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा जी। बिल्कुल, उस नंबर पे हमारे जो भी कस्टमर सर्विस, जो भी हमारे यहाँ लड़कियाँ आपको कस्टमर सर्विस के लिए रखी हुई हैं, आपको टाइम टू टाइम कॉल हैंडल करती हैं, कभी कॉल छूट जाता है तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे, दोबारा हम चाहेंगे कि आपका कॉल को हम लोग रिटर्न कॉल करें। अच्छा दर्शकों, तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये छोटे से लागत में हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करें, अपने घर में इस फैक्ट्री को लगाएं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ ही नीचे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऑफिस में फ़ोन कीजिए, और पूरे भारत में अगर कहीं पे भी हैं तो आपको यहाँ गोपालगंज जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि राहुल जी ने बताया, आप वहीं पे आपका मशीन जो है डिलीवर हो सकता है। चलिए हम बातचीत करते हैं राहुल जी से कि हम थोड़ा सा हम शुरुआत में हमें आपका परिचय ले लेना चाहिए था, लेकिन हम बीच में चाहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। बचपन से आपने पढ़ाई लिखाई क्या गोपालगंज में की है जी? क्या आपका प्लान बिजनेस का ही था कि अदरवाइज दूसरा कुछ था? हमने सुना है कि आप सिंगर भी हैं, सिंगर भी बनना चाह रहे थे। लेकिन सिंगर एक्चुअली तो मैं हूँ बेसिकली सिंगर ही हूँ। बचपन से सबका सपना होता है, तो मेरा भी सपना था, लेकिन बहुत बहुत छोटे परिवार में पैदा होने के कारण हम लोग की जो सारे सपना थे वो सपना ही नजर आ रहा था, तो हमने इस बीच में बहुत सारा किया, बहुत सारे जगह हमने नौकरी के लिए भी गया बाहर में, बहुत जगह भटका, वहाँ पे मैं अपने साथ साथ अपने यहाँ के लोगों को या फिर अदर जगह के लोगों को फैक्ट्री में काम करने वक्त उनका जो दर्द देखा, तो मैंने बोला कि भाई बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन के अपना छोटा सा भी बिजनेस हो तो आदमी अच्छा से जिंदगी निर्वाह कर सकता है। इसी सपने के साथ मैंने आया और आकर के हमने दिल्ली से काम शुरू किया और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक गाने बजाने की बात है तो मैं गायक भी हूँ, लेकिन भोजपुरी में हम लोग जैसे गायकों का डिमांड बहुत कम है अश्लीलता के चलते, आप लोग देख रहे हैं जी। बिल्कुल, भोजपुरी में अश्लीलता कितनी बढ़ चुकी है, इसीलिए हम लोग का थोड़ा सा मार्केट, हम लोग उस परिवार से आते हैं जहाँ गाना बजाने का ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग भोजपुरी को बचाने के कारण हम लोग अश्लील नहीं गए, मार्केट में ऑलरेडी हम लोग उतना नहीं हिट हुए। खैर दुख नहीं है, हिट नहीं हुए, लेकिन आज भी कोई बोलता है, इज्जत से नाम लेता है कि हाँ राहुल भाई ऐसा गाते हैं, अच्छा गाते हैं। एक कलाकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मान सम्मान प्रतिष्ठा ही होता है। आप गाने, चूंकि हमारे भोजपुरी का भी क्या हुआ है कि स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है, कुछ सिंगर हैं जो भोजपुरी का मान जो है गिरा कर रखे हुए हैं। बाहर में भी हम जाते हैं तो लोगों को छवि बन जाती है कि बिहार से आया है, तो मतलब वो वल्गैरिटी इसके में है, तो सारी चीजें आप दूर कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि एक दो लाइन हो जाए दर्शकों के लिए, दर्शकों का भी डिमांड होगा ही। जैसे आप सभी जितने वीडियो में देखते हैं सब में कुछ ना कुछ सुनाते हैं, इस बार भी सर का है, आप लोगों का प्यार है तो जरूर सुनाएंगे।
कि तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, उम्र भर तुम मेरी चाहत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। नमस्कार, कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं। ये तो थोड़ा सा हिंदी हो गया। हम चाहें कि आपने अपनी जो रचनाएं रची होंगी भोजपुरी को लेकर के, वो अश्लीलता से दूर। सबसे सबसे बड़ी चीज है कि आपका एक क्या बोले न्यूज चैनल है जी। इस चैनल पे मैं भोजपुरी नहीं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं भोजपुरी के जो दर्शक भी चाहते हैं सुनना। जरूरी नहीं है, न्यूज के साथ साथ हम लोगों को एंटरटेन भी करते आए हैं हमेशा। हमारे फेथ से सिंगर लोग भी जुड़े रहते हैं। गाना है भोजपुरी में, देखिए भोजपुरी में, अब जहाँ तक बिजनेस की बात थोड़ा साइड करके हम बताएं, इस दुनिया में सबसे प्यारा कोई चीज होता है तो वो आपकी माँ है। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया में हर चीज आपको मिल सकता है, एक माँ है जो दोबारा नहीं मिल सकती है। तो भोजपुरी में एक हमारे संजय सनेही भैया गाना लिखे हैं, अरे कि मेहनत कोके कितना रुपया कमईबा, अचरा के सुख बबुआ कहता ही न पईबा, जिंदगी ना होई कब पूरा ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा ए बाबू हो, माई बिना जिंदगी अधूरा। महतारी ऐसी चीज है जना कर भोजपुरी में माई कह ले जा, ये दुनिया में एक रहती है। ये जो है इसका रॉ मटेरियल स्क्रैबर हुआ, ये ब्लिस्टर ऐसा आता है जो कि हमारे यहाँ आसानी से आपको ब्लिस्टर स्क्रैबर, ये कार्ड जो है देखिए इस पे कार्ड पे इस पे लिखा है पूजा क्लीनअप। ऐसे में अपना भी ब्रांडिंग आप करवा सकते हैं, इसकी टोटल व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो आपको रॉ मटेरियल भी हमारे यहाँ आसानी से मिल जाएगा, ये स्क्रैबर, ये सब टोटल चीज़। अब देखिए मशीन कैसे काम करती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे स्क्रैबर को ले लेंगे और इसको स्क्रैबर को ऐसे इसमें आराम से डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें डालने के बाद ये डाई होता है, इसको डाई में ऐसे डाल देंगे और डाई में डालने के बाद ये कार्ड को इसके ऊपर हम रख देंगे, इसको आराम से उठा करके यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डालने के बाद इसको ऐसे धीरे से एकदम थोड़ा सा पुश कर देना है, ठीक है। और जैसे पुश करके इसको फिर हटा लेना है, आपका ये स्क्रैबर पैक होकर रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे कितना सुंदर पैक हो गया, देख रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। इसको एक एक बनाने में आपको ₹3.5 कॉस्ट आता है, ये मार्केट में ₹10 का बिकता है, यानी ₹3.5 का माल बनाइए ₹10 में बेचिए। होलसेल में अगर आप इसको ₹5 में बेच रहे हैं तो आपको एक माने 12 पीस का पूरा पत्ता आता है, एक पत्ता बनाने में आपका कॉस्टिंग आएगा ₹40। होलसेल में ₹5 में बेचते हैं तो ये आपको ₹20 एक पत्ते पर प्रॉफिट आ जाएगा, ₹60 में बेचेंगे तो। यानी अगर आप आराम से 200 पत्ता भी डेली बेचते हैं तो आपको ₹4,000 कहीं नहीं जाने वाला है, तो महीने का 4×12 120,000 कहीं नहीं जाएगा, एकदम छोटा सा इन्वेस्टमेंट में। ये मशीन मात्र ₹12,000 की, देखेंगे इसका रन अप देखिए, कि दोबारा भी हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए इसको ऐसे डाल दिए, इसमें कार्ड रख दिए और ऐसे डाल करके, इतना छोटा सा मशीन लेकर के भी आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको 30,000-35,000 ही चाहिए, ऐसे उठा लीजिए, हो गया, मात्र 4-5 सेकंड में आपका एक पत्ता रेडी। देखिए कितना अच्छा बन गया। अगर चाहें कि 12 पीस का पत्ता तो भी इससे आराम से पैक कर सकते हैं पारापारी करके। ये जो होता है मॉल में, इसको आप ₹20 में खरीदते हैं, ये मॉल के लिए स्पेशल एक एक पीस का बिकता है, आराम से इसको पैक कर सकते हैं, ठीक है। और दिखाते हैं, और देख लीजिए, बड़ी मशीनें भी सेम इसी टाइप से काम करती हैं। बड़ी मशीनों के लिए आप बड़ी मशीनें भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसका वीडियो आपको दिखा दिया जाएगा। देख रहे हैं 4-5 सेकंड में एकदम फर्स्ट क्लास कर देता है, ठीक है दोस्तों। बाकी नमस्कार, आज सदा आप लोगों का सेवा करते रहेंगे, आप लोग सेवा का मौका एक बार अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, इस मशीन से स्क्रबर तो जैसे आपने देखा हमने पैक किया, इसके अलावा आप इससे दूध, दही, लस्सी,
मिठाई, रसगुल्ले, ये पोपन्स जो चलता है अभी देहात में खूब चल रहा है, ये टोटल आइटम इससे पैक कर सकते हैं मात्र 12,000 रुपये की मशीन से। तो आज ही ले जाइए 12,000 की मशीन और अपना किस्मत को एकदम लंबे आसमान तक लेके जाइए। नमस्कार दर्शकों, हम आपको बता दें कि जीवन यही है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारा प्रेशर ले लेते हैं अपने दिमाग में, मुझे ये करना है मुझे ये करना। इन प्रेशर से हट के अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे राहुल जी हैं, इनके पास सिंगिंग के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, तो ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका, राहुल जी एक उदाहरण है इसके कि ये सिंगर भी हैं और सिंगर के साथ साथ एक बिजनेस स्टार्टअप भी हैं, लोगों को उद्योग दे रहे हैं, लोगों का घर जो है इनकी वजह से अब तक 1500 से 1600 मतलब उससे ज़्यादा ही होगा मुझे लगता है, इनकी वजह से उनके घर का चूल्हा जल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि आज ये आगे बढ़ रहे हैं, हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये दिन प्रतिदिन ऐसे ही तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं ये बिजनेस प्लान शुरू करना तो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं राहुल जी के कंपनी का ऑफिस का, आप उनसे बातचीत कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत कीजिए, बिहार से बाहर जाने से अच्छा है कि अपने घर में अगर बिजनेस लग जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, आपके पास समय बच जाएगा, आप कम समय में अच्छा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिवान न्यूज़ का फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।